ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डका कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बांका करने का अवकाश इनके पास है और इनको लगता है ऐसे अंजाम देने से झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल, और इतनी बड़ी ये भूल होगी जो झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन हमने हार नहीं मानी है। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। चंपाई सोरेन की सरकार एकजुट रही और गठबंधन में फूट भी नहीं पड़ी। जिन लोगों ने इस गठबंधन के टूटने और नई सरकार बनने की आशंका जाहिर की थी, आज सभी गलत साबित हुए। एक ऐसे दौर में जब ईडी के जरिए विपक्ष की राजनीति तय की जा रही है, ईडी के डर को नकार कर विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाई है, साधारण बात नहीं। विपक्षी एकता की जो राजनीति बिहार में बिखर गई थी, वही एकता आज झारखंड में दूसरे तरीके से खड़ी नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाषण राजनीति में घुसाए ईडी और आईटी के डर को नकार रहा था, तो दूसरी तरफ उसी रांची में राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रवेश कर रही थी। सदन के भीतर हेमंत सोरेन मजबूती से भाषण दे रहे थे, तो बाहर राहुल गांधी केंद्र पर हमले कर रहे थे, जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को नकार रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा अभी बिहार पहुंची भी नहीं थी कि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। विपक्षी एकता के सबसे बड़े सूत्रधार का बीजेपी के पाले में चले जाना साधारण घटना नहीं थी। उधर झारखंड में भी तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई और ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और गिरफ्तार हुए। उसके बाद से झारखंड में महागठबंधन के टूटने की आशंकाएं तेज हो गई। राज्यपाल ने शपथ दिलाने में काफी देरी की, ऐसा लगा कि बिहार की तरह झारखंड में भी विपक्षी एकता बिखर जाएगी, लेकिन आज काफी कुछ संभला नजर आया। चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया। इससे पहले आज सुबह राहुल गांधी हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे और उनकी पत्नी कल्पना से मुलाकात भी की। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बांका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा, आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं, आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी का, के आंसुओं का कोई मोल नहीं।
वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में कहीं से कमजोरी झलकने नहीं दी। जेल का भय उनके चेहरे पर नहीं था और ना उनके बाद उनकी पार्टी के टूट जाने या खत्म कर दिए जाने का खौफ। वे अपने समर्थकों और सामाजिक आधार से लगातार संवाद कर रहे थे। वे अपने भाषण में लड़ाकू की तरह दिखना चाहते थे। हेमंत सोरेन जेल से सीधे विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे आंसू नहीं बहाएंगे, इन आंसुओं को वक्त के लिए बचा कर रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस 8 एकड़ जमीन की खरीद के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अगर उसका कागज सदन में रख दिया जाए तो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां बहुत हैं, इसलिए उसे निकालने के लिए ईडी लगा दी गई है और गलती से ये हड्डी कहीं फंस गई तो पूरी की पूरी आंख फटकर बाहर आ जाएगी। उनका भाषण बहुत सधा हुआ था और मजबूती से भरा हुआ। ईडी के लगातार हमले झेलने के बाद भी हेमंत सोरेन झुके नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि पीछे भी नहीं हटे और ना पीठ दिखाई है। प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को, राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हस होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निकलने का प्रयास, क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निकल जाएं। लेकिन इतना आसान नहीं, गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। आपको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसकी पूरी सत्ता अधीनित रहती है राज्यपाल गवर्नर महामहिम गवर्नर के हाथ में। वो आते हैं और गवर्नर अपनी सरकार, मतलब चंपई जी की सरकार, जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस की सरकार के उपलब्धियां बताने का काम करते हैं जो इन्होंने लिखा है। ये कोई पीएमओ से लिख करके नहीं आया है, सीएमओ से लिख करके आया है। और क्या व्यवहार होता है इनका, साफ दिखलाता है कि इस सरकार में इनका विश्वास नहीं है। चंपई जी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के कारण बनाया गया। चंपई जी को अवसर कैसे मिला? आप ठीक कहा कि 5 साल के जनादेश मिला था। कैसे अवसर मिला? 5 साल का जनादेश को 4 साल में ही आपने गवा दिया। माननीय सदस्य बोलने दीजिए उनको, जितना आता है उतना बोलने दीजिए। जितना आता है उतना ही बोलने दीजिए उनको, जितना आता है, लेकिन जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। ठीक, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। 4 साल में ही जो सरकार चले गई, त्याग पत्र दिया, किसी ने बर्खास्त नहीं किया, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, और जो सरकार गई हेमंत दा की, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण जो सरकार गई, उसके बाद वंशवाद और परिवारवाद का जो सिलसिला चलाया था देश के अंदर, जिसने देश के आर्थिक संसाधनों पर, देश के विकास पर घुन लगा दिया था, दीमक की तरह जो चाट करके खत्म कर दिए थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, एक पिछड़ा का बेटा एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है तो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के प्रति पूरे भारत के जनमानस को तैयार करता है, और उसका नतीजा होता है कि झारखंड में भी पहली बार सोरेन परिवार से निकल करके चंपई सोरेन जी
मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करते हैं। आपको बधाई है और मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहिए आपको। हेमंत सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी काला अध्याय है। आज तक किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया था और इस घटना में राजभवन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं, नियम कायदे कानून की जानकारी का अभाव रहता है, बौद्धिक क्षमताएं विपक्ष के बराबर नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। गोदी मीडिया के एक एंकर ने हेमंत की गिरफ्तारी पर कहा था, जेल जाने के बाद उन्हें जंगल का जीवन याद आ रहा होगा। इस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग जंगल से बाहर तो आ गए, मगर उनके बराबर हो गए तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनकी घृणा इतनी, इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका, आदिवासी दलितों के प्रति, कि आप इससे अंदाजा होगा कि इन्हें के पाले हुए तंत्र, ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगते हैं। ये हमें अछूत दिखते हैं। और इन्हीं विडंबना को तोड़ने के लिए हमने एक प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा राज्य है, इन समूह को आगे बढ़ने का, इनका मार्ग प्रशस्त करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुराने जिंदगी में जिए। और मुझे इसका आभास था अध्यक्ष महोदय, जो इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी। इनके आचरणों से इनके बयानों से लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी दलित पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़े। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने आज के अपने भाषण में उन उद्योगपतियों की तरफ भी इशारा किया जिनकी नजर झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर है, जो नहीं चाहते कि अड़कर फैसला करने वाला नेता मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। झारखंड के परिप्रेक्ष्य के अलावा पूरे देश के पैमाने में अब आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, विशेषकर झारखंड में तो यहाँ के खनिज संपदाओं को, जो बरसों से इस पर लोगों की गिद्ध नजर है और आगे भी रहेगी। ये तो हम थे अध्यक्ष महोदय, ये बहुत फूक फूक करके उनको आगे बढ़ना पड़ता था। ये खुला दरवाजे की आदि हो चुके हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। जो इनके सामने आएगा वो इसी तरीके के अंजाम से उनको गुजरना पड़ेगा। और इनको लगता है ऐसे अंजाम देने से झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है और इतनी बड़ी ये भूल होगी
तो झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। विश्वास मत पर बोलने के लिए बीजेपी की तरफ से अमर कुमार बावरी भी उठे। उनके भाषण में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ तत्व भी नजर आए, जब उन्होंने इशारे में कह दिया कि आलू से सोना कौन बना रहा था, कौन कह रहा था। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आलू वाला यह बयान राहुल गांधी का बताकर चलाया जाता है, जबकि इस झूठ का कई बार पर्दाफाश किया जा चुका है। अमर कुमार बावरी का इसका जिक्र करना बता रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ कहां कहां पहुंच गया है, कितनी बार आलू वाले बयान का पर्दाफाश किया गया, मगर बार बार दोहराया जाता रहता है। राहुल गांधी ने 2019 में पाटन में एक भाषण दिया, उसकी आधी अधूरी क्लिप अक्सर वायरल करा दी जाती है। इसमें राहुल कथित तौर पर कह रहे हैं कि वे किसानों को ऐसी मशीन बना कर देंगे जिसमें से आलू डालेंगे तो सोना निकल आएगा, लेकिन फैक्ट चेक करने वाले पत्रकारों ने अक्सर इस बयान का पर्दाफाश किया है कि उनका मूल बयान ऐसा था ही नहीं। अपने भाषण में राहुल गांधी नोटबंदी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह के वादे किए हैं कि आलू डालने से सोना निकल आएगा। वो बयान प्रधानमंत्री के लिए था, मगर पलट कर उसकी एडिटिंग कर राहुल गांधी का बयान बना दिया गया ताकि उन्हें मूर्ख साबित किया जा सके। हालांकि सच ये भी है कि मोदी का बयान भी काट छांट कर वायरल किया जाता है, यानी मोदी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच नहीं पाते हैं और ना उनकी पार्टी के नेता फैलाने में पीछे रहते हैं। जब उन्होंने कह दिया कि पोप पैसा लेकर गए थे धर्मांतरण कराने, तो मुझे भी लगा कि कहां कहां से उदाहरण दिए जा रहे हैं। तभी झारखंड के ग्लेन जोसेफ ग्लास्टन नाम के विधायक ने इसका जोरदार खंडन कर दिया। आपने कहा कि एएसआई अंबेडकर जी ने त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया। महोदय, कोई विदेशी धर्म नहीं अपनाया अंबेडकर जी ने। गए थे निजामुद्दीन निजाम हैदराबाद के पैसा के थैली लेकर के, कहिए आप मुसलमान बन जाइए। गए थे पोप, या आप क्रिश्चियन बन जाइए। बाबा साहब अंबेडकर इस देश के सच्चे सपूत थे, इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने इसी देश के एक पंथ को चुना, कोई विदेशी धर्म का और विदेशी गुलामी को नहीं सुना। अभी हमारे पावरी साहब ने बोले कि पोप ने पैसा लेके गए थे उनके पास धर्मांतरण के लिए। मैं जानना चाहता हूँ ये इतिहास कहाँ से मिला है इनको, क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत है। आज तक पोप किसी के पास नहीं गए हैं और कैथोलिक धर्म के कोई लोग नहीं गए हैं धर्मांतरण के लिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये बहुत जरूरी है कि आज के नेताओं को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से मुक्त कराया जाए। अगर इस तरह से बातें होती रही तो एक दिन राजनीति में कोई सही बात पर यकीन नहीं करेगा। विधानसभा में गठबंधन के विश्वास मत हासिल करने के थोड़ी ही देर बाद रांची के HEC मैदान में राहुल गांधी की सभा शुरू होती है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार और BJP दोनों चाहती है कि HEC बंद हो जाए और उसके ऊपर अदाणी नाम का नेम प्लेट लग जाए, इसका निजीकरण करने के फिराक में है। आपको याद होगा कि पिछले साल चंद्रयान के बाद HEC से जुड़ी खबरें आई थी कि यहाँ के कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में उन सभी की बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आई तो HEC को मजबूत करेंगे, प्रतिस्पर्धा के लायक बनाएंगे, मगर इसका निजीकरण नहीं होने देंगे। यहाँ पे आपकी सरकार को ये क्यों हटाए? क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी चीफ मिनिस्टर है। ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की। और कांग्रेस पार्टी, JMM सब मिलकर बिल्कुल इनके सामने एक लाइन में खड़े हो गए और क्या हुआ, सरकार बच गई। ये हर प्रदेश में करते हैं, जहां भी उनको चांस मिले ये
या सीबीआई का प्रयोग करके, ईडी का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके या पैसा देकर ये यही काम करते हैं। लोकतंत्र पे ये आक्रमण कर रहे हैं, संविधान पे ये आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की जो आवाज है इसको दबाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, लोकतंत्र की जो आवाज है उसको कभी नहीं दबने देगा। इतिहास नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के बीच तुलना करेगा। वह यह जरूर जानना चाहेगा कि नीतीश कुमार किस दबाव में तेजस्वी को किनारे कर बीजेपी के साथ चले गए, और झारखंड में क्या हुआ कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद भी गठबंधन पूरी मजबूती के साथ डटा रहा, हेमंत सोरेन भी नहीं झुके। हेमंत सोरेन जैसे ही विधानसभा पहुंचे, कैमरों की भीड़ ने जिस तरह से उनका स्वागत किया, उससे लग रहा था कि इस गिरफ्तारी ने उनकी जमीन मजबूत कर दी है। उन्हें पता है कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद वे लंबे समय तक जेल में डाल दिए जाएंगे, तब तक बहुत कुछ बदल भी जाएगा। मगर पहले चरण में हेमंत सोरेन ने केवल विपक्ष के यहाँ भ्रष्टाचार देखने और खोजने वाली इस एजेंसी के राजनीतिक हमले को नकार दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।